अस्सलाम वालेकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो जोजी मास्टर। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? तो यहाँ पर दोस्तों हाजिर हैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि वीडियो को तो वॉच कर लेते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब किया करें, कोई भी वीडियो वॉच करें। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं वीवो V20 SE का। दोस्तों इस डिवाइस का हम कम्प्लीट रिव्यू करेंगे, क्या ये डिवाइस आपको परचेज करना चाहिए, इस डिवाइस के क्या फीचर्स हैं, इस डिवाइस का कैसा लोगो डिजाइन है। तो कम्प्लीट रिव्यू करने वाले दोस्तों वीडियो आपने एंड तक वॉच करना है। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई वीडियो भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और एक और बात, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम गिव अवे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर दोस्तों उसका जो अनाउंसमेंट होगा वो हमारे इंस्टाग्राम पर होगा। मैं आपको जो है इंस्टाग्राम का लिंक भी दे रहा हूँ और आप जो है मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, वहां इंशाल्लाह हम जो है गिव अवे के अनाउंसमेंट करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इस डिवाइस का लोको डिजाइन की बात करेंगे, उसके बाद हम इसके मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो लोको डिजाइन के हवाले से दोस्तों बैक पर जो है आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप स्मार्टफोन में जो है देखने को मिल जाएगा जो कि 48 मेगापिक्सल के साथ फिट किया गया है। अब यहाँ पर दोस्तों जो फ्लैश लाइट फिट की गई है वो कैमराज के साथ ही फिट की है और ये जो शेप है कैमराज की ये हमें वीवो के Y20 जैसी देखने को मिल जाती है। और आज दोस्तों यहाँ पर जो कैमरा फिट किया है ये हमें 48 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर जो बैक का केस हमें दिया है प्लास्टिक के, और ये जो केस है ये स्क्रैच लेस केस है। अब यहाँ पर कोई भी चीज जो है आप इसे कीज वगैरह से, मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ किसी भी चीज का, अगर हम इस पर लाइन वगैरह लगाते हैं तो जैसे ही हम इसको साफ करेंगे तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यानी कि वीवो के V20 में भी हमें ऐसा ही बैक केस देखने को मिला है और इस डिवाइस में भी आपको ऐसा ही सेम टू सेम बैक केस देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो बैक केस हमें दिया गया है वो बिल्कुल साइड से जो है आपको राउंड शेप देखने को मिल जाएगी। और दोस्तों अगर हम साइड की बात करें तो साइड फ्रेम भी यहाँ पर जो है आपको प्लास्टिक ही देखने को मिल रही है। नीचे की तरफ आ जाते हैं दोस्तों, तो नीचे जो है आपसे पहले वॉल्यूम स्पीकर जो है वो देखने को मिल जाता है, उसके साथ जो है आपको टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, उसके साथ दोस्तों आपको जो है माइक देखने को मिल जाता है और माइक के साथ ही जो है आपको हैंड फ्री जैक जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड फ्रेम जैसे कि मैंने आपको बताया प्लास्टिक की दी गई है। दूसरी साइड अगर हम देखें तो दूसरी साइड आपको जो है ऑन ऑफ का पावर बटन देखने को मिल जाएगा और उसके साथ ही वॉल्यूम अप डाउन का बटन देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ दोस्तों आ जाते हैं, ऊपर की तरफ जो है आपको सिम ट्रे भी देखने को मिल जाएगा, जबकि दूसरी साइड पर आपको किसी किस्म का कोई बटन जो है असिस्टेंट के लिए नहीं दिया गया। यहाँ पर दोस्तों इस डिवाइस के मेन फीचर की तरफ आ जाते हैं। तो यहाँ पर इस डिवाइस के जो मेन फीचर है वो इसका फास्ट चार्जिंग है। यहाँ पर आपको जो है 33 वोल्ट का फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया जा रहा है। और इस डिवाइस का जो बजट है, क्या इस बजट में ये डिवाइस जो है हमें परचेज करना चाहिए, तो 33 वोल्ट का आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। 8GB रैम है, 128GB मेमोरी है। यहाँ पर दोस्तों चिपसेट ने मुझे काफी ज्यादा मायूस किया है कि यहाँ पर आपको जो है स्नैपड्रैगन 665 का चिपसेट देखने को मिल रहा है। अब इससे पहले आपको यही चिप जो है Vivo S1 Pro में भी देखने को मिली और यही चिप जो है आपको Vivo के Y51 में भी देखने को मिली। और ये जो डिवाइस है ये Vivo S1 Pro की जगह जो है लॉन्च किया जा रहा है, तो इसके स्पेक्स सेम टू सेम Vivo S1 Pro जैसे हैं, लेकिन यहाँ पर आपको जो है एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। इस डिवाइस की दोस्तों जो प्राइस है पाकिस्तानी मार्केट में, ये डिवाइस जो है आपको 42,000 रुपए के बजट में देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएगा और इस मॉडल का नाम है Vivo V20 SE। और यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट आपको देखने को मिल जाएगा। अब टोटल फीचर्स मैंने आपको बता रही है, 42,000 रुपए के बजट में वीवो ने ये डिवाइस तो लॉन्च किया है, लेकिन यहाँ पर चिप जो है वो आई थिंक ज्यादा होना चाहिए था क्योंकि वीवो जो है इस टाइम पर काफी टॉप पर जा रहा है, काफी हॉट सेलिंग मॉडल्स अपने लॉन्च कर रहा है और बहुत से लोग जो है इस टाइम पर वीवो को प्रेफर कर रहे हैं। और वीवो की डिवाइसेस, जैसे कि आपको पता है वीवो S1 लॉन्च होने के बाद वीवो की डिवाइसेस को काफी ज्यादा बूस्ट मिला है और बहुत से लोग ये समझ के डिवाइस ले लेते हैं कि वीवो S1 से शायद ये डिवाइस जो है अपग्रेड है और उससे ज्यादा फास्ट है तो हमें ये डिवाइस परचेज करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का आइडिया भी हो चुका है कि वीवो S1 जितना फास्ट डिवाइस वीवो V17 या V19 सीरीज में तो हो सकता है लेकिन वीवो की इस सीरीज में नहीं हो सकता। जैसा कि आपको पता है वीवो S1 Pro वो एक स्लो डिवाइस था, सबको पता है 8GB रैम थी लेकिन वो वीवो S1 से स्लो डिवाइस था। और यहाँ पर मुझे भी कुछ यही सीन लग रहा है, डिवाइस की प्राइस मुझे थोड़ी ज़्यादा लगी है। आई थिंक वीवो Y51 भी काफ़ी ओवर बजट में जो है अनाउंस हुआ है और अभी जो उसकी प्राइस जो है 35,000 रुपये कर दी गई है, लेकिन वो भी ओवर बजट है क्योंकि वीवो Y51 में जो है आपको ऐसे AMOLED पैनल तो देखने को मिल रहा है लेकिन वहाँ पर वो स्पीड हमें नहीं देखने को मिली जो कि वीवो S1 में थी।
तो यहीं पर कुछ ऐसा ही सीन है। वीवो S1 प्रो भी एक स्लो मॉडल था, लेकिन हो सकता है कि वीवो V20 SE में हमें कुछ ऑप्टिमाइजेशन जो है वो मिल जाए। और आज दोस्तों ये डिवाइस आपको कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब ये डिवाइस आएगा तो हम इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जो इस स्मार्टफोन में चिप फिट की गई है स्नैपड्रैगन 665 कोई गेमिंग चिपसेट नहीं है, क्योंकि ये जो चिप है ये अगर आप पबजी वगैरह खेलते हैं या कोई भी गेम खेलते हैं, स्वाट 9 या कॉल ऑफ ड्यूटी कोई भी आप गेम खेलें, तो ये जो इसका चिप है, पबजी की मैं बात करूं क्योंकि ज्यादातर लोग पबजी खेलते हैं, तो ये जो चिप है ये बैलेंस से ऊपर ग्राफिक्स को सपोर्ट नहीं करता। और यही सीन जो है वीवो के Y51 में कंप्लेन हमें देखने को मिली। ओवरऑल दोस्तों ये डिवाइस जो है गेमिंग के लिए नहीं है, कैमरा डिवाइस है और एक नॉर्मल यूज का डिवाइस है यहाँ पर मिड रेंज बजट में। और V20 शायद आपने देखा होगा, मैंने उसकी अनबॉक्सिंग भी की, जल्दी हमें इस डिवाइस की अनबॉक्सिंग भी लेकर आएंगे और इससे गेमिंग टेस्ट वगैरह भी लेकर आएंगे। तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपका किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।